किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा और किसी व्यक्ति का मजाक बहुत सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका आता है और जब वक्त का हिसाब ईश्वर करता है तो संभलने तो क्या, रोने का भी मौका नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने RGM YouTube क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वह एक भूगोल का काफ़ी खास टॉपिक और एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप तथा ज्वालामुखी पे आधारित है। दोस्तों देखिए, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हालांकि दो चीज़ों को हम लोग वर्णन करेंगे। पहला करेंगे हम लोग भूकंप का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा ज्वालामुखी। दोस्तों ये दोनों जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और हम लोग यहाँ पे खास करके वैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि एग्जामों में आया हुआ है और किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे तो हमें और आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भूकंप की बात करें। भूकंप की बात करें दोस्तों, तो देखिए भूकंप जो है इसको समझने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक नियम को समझते हैं। देखिए भूकंप को सबसे पहले यदि बात की जाए तो भूकंप यानी पृथ्वी पर अनैच्छिक रूप से होने वाली हलचल को हम लोग भूकंप कहते हैं, या फिर एक शब्दों में बोले तो पृथ्वी का कंपन को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि जो भूकंप होता है वह क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी के जो है हमारा भूप्रपटि से लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज में नीचे की ओर 100 किलोमीटर नीचे की ओर एक परत होती है जो कि द्रवित रूप से मैग्मा के रूप में रहता है। दोस्तों यदि बात करें तो हमारा यह कई परतों में, कई प्लेटों में विभाजित है। मान लीजिए कुछ ए प्लेट, कुछ इधर प्लेट, कुछ इधर प्लेट, और हम लोग जानते हैं कि सभी प्लेटों का जो है एक दूसरे पर मतलब गति होते रहता है। तो इन्हें देखिए गति के अनुरूप भी बांटा जा सकता है। देखिए कुछ प्लेट ऐसे इस टाइप से कुछ प्लेट हो गया। कुछ प्लेट की बात करें दोस्तों यदि इस टाइप से। अब कहने का मतलब देखने में तो सभी प्लेटों सेम लग रहा है, लेकिन जो है इसका गति के ऊपर निर्भर करता है। देखिए पहला प्लेट की बात करें, एक प्लेट यदि ऊपर की ओर जाए, दूसरा प्लेट हमारा नीचे की ओर आए, मतलब जैसे ऐसे एक प्लेट ऐसे ऊपर जा रहा है और ए नीचे की ओर आ रहा है। देखिए ऐसे है, एक प्लेट ऊपर जा रहा है, एक प्लेट नीचे की ओर आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रूपांतर गति। रूपांतर गति हो गया। अब देखिए एक प्लेट हमारा इधर आ रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, मतलब देखिए मान लीजिए ये दो प्लेट है, एक प्लेट अपना साइड में इधर भाग रहा है, एक प्लेट इधर भाग रहा है, यानी एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं अपसारी गति। देखिए दोस्तों शायद अभी तक से आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक क्यों बता रहे हैं, आपको आगे पता चलेगा। तीसरा देखिए जो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब एक प्लेट जो है मान ले ये देखिए प्लेट ऐसे हो जाएगा यानी चढ़ जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी गति। अब देखिए टोटल खेला इन्हीं प्लेटों के ऊपर है, जो हम भूकंप तथा ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, सभी मतलब जिसका मूल बिंदु बोल सकते हैं ना कि उद्गम केंद्र यही है। देखिए जब रूपांतर गति यानी एक प्लेट यदि ऊपर की ओर जाएगा, एक प्लेट हमारा नीचे की ओर आएगा, तो ऐसे स्थिति में जो है हमारा भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होता है। भूकंप
हाँ भूकंप उत्पन्न होगा, यानी कौन सी गति के परिणाम स्वरूप, हमारा रूपांतर गति, प्लेटों में होने वाले रूपांतर गति के फल स्वरूप जो है हमारा भूकंप उत्पन्न होता है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे अपसारी गति। अपसारी गति यानी जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर दूर जाते हो, कभी भी साथ में नहीं रहे और दूर जाते हो, तो ऐसे गति के फलस्वरूप हमारा जो है वह हमारा ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ज्वालामुखी की क्रिया होती है अपसारी गति के फलस्वरूप। अब तीसरा हमारा जो है अभिसारी, प्लेटों में तीन ही प्रकार की गति होती है दोस्तों, जो है हमारा रूपांतर गति, अपसारी गति और अभिसारी गति। इसके फलस्वरूप जो है हमारा बहुत बड़े बड़े, जब इस टाइप से होंगे अभिसारी, जब गति होगी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय जो पर्वत है वह जो है अभिसारी गति के फलस्वरूप है, अभिसारी गति के फलस्वरूप हिमालय पर्वत। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। भूकंप की बात करें तो यह रूपांतर गति के फलस्वरूप होता है, अपसारी गति यदि होगा तो ज्वालामुखी की क्रिया होगा, और अभिसारी गति हमारे प्लेटों में होगा तो हमारे हिमालय पर्वत जैसे मतलब बड़ा बड़ा स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसे अब हम लोग मिटा देते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों। मान लीजिए कि हमारा प्लेट यहां पे है, हालांकि यहां छोटा छोटा बहुत बड़ा बड़ा प्लेट होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कर है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा ही में दिखा दे रहे हैं। एक ऊपर की ओर गया, एक नीचे की ओर आया, हमारा यहाँ पे कौन सी घटना हुआ दोस्तों? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे रूपांतर गति हुआ। रूपांतर गति जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप भूकंप का एक उद्गम हुआ, उद्गम हुआ यानी भूकंप की उत्पत्ति हुई यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि भूकंप जो है दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से ही शुरू हो। अगर मान लीजिए यदि प्लेटों में यदि यहाँ पे हलचल हो जाए और हमारा केंद्र मान लीजिए यहाँ है, ये हमारा केंद्र है और हलचल यहाँ पे हो जाए तो भूकंप वहाँ से भी उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लेटों में हलचल हुई और यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हो गई, भूकंप की उत्पत्ति हो गई, तो इसको, इस केंद्र को जो है हम लोग कहेंगे उद्गम केंद्र। ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए भूकंप का उद्गम केंद्र तो उसे हो गया, लेकिन यह जो है चलते 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 चलते, मान लीजिए आखिर भूकंप है तो उसका जो हमारा तरंग है वह ऊपर की ओर तो जाएगा ही जाएगा। अब ये जो है हमारा बढ़ते हुए यहाँ पे आया और भूप्रपटी पर, तो सबसे पहले कहीं तो एक ही जगह इसका अनुमानित किया जाएगा, या फिर एक ही जगह सबसे पहले शुरुआती समय में जिस स्थान पर भूप्रपटी पर अनुभव किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अभी केंद्र। देखिए दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ देगा कि भूकंप के जिस स्थान से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए हमारा उस स्थान को उद्गम केंद्र अथवा मूल केंद्र भी बोला जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप जहाँ पे अनुभव की जाती है उस केंद्र को क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अभी केंद्र। अब बात की जाए यहाँ पे तो इसी प्रकार से चूंकि तरंग फैलता है, तरंग फैलते हुए इसी प्रकार से ऐसे ऐसे
मतलब शुरुआती तो यहाँ तक आया, लेकिन उसका प्रवृत्ति ही होता है कि तरंग वह फैलते जाएगा। जैसे यदि आप पानी में पत्थर डालेंगे तो सबसे पहले एक जगह केवल, मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ पे आप पत्थर डालें, मारे पत्थर, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा अभिकेंद्र हो गया, यानी सबसे पहले महसूस यहाँ पे किया गया, लेकिन इसका तरंग जो है ऐसे 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 फैलते जाता है, यानी यही हमारा एक रेंज में फैलेगा। तो यही पृथ्वी पर जो फैलता है इसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीका से। पूछता है क्वेश्चन ये, और ये अभिकेंद्र और उद्गम केंद्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है यह, और पूछता भी है। अब देखिए दोस्तों, इतना ही नहीं, कभी कभी इसमें बहुत आगे भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब इतना से तो काम चलने वाला नहीं है, चूँकि अभी कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो चुका है, तो वहाँ पर क्वेश्चन तो जितना आपको बारीकता से पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको इसके बारे में आप हम लोग कुछ जानते हैं। सबसे पहले बात की जाए इसके बारे में कुछ, भूकंप। तो दोस्तों सबसे पहले भूकंप की अध्ययन की बात की जाए तो भूकंप की अध्ययन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट, भूकंप के अध्ययन को यहाँ पे लिख देते हैं सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सिस्मोग्राफी नहीं, वो जो भूकंप को मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ लिखिए ना, सिस्मोग्राफ। देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंपों के अध्ययन करते हैं उसे हम लोग सिस्मोलॉजी, उस शाखा को सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों हमारा हो जाता है कि भूकंप के अध्ययन को जिस चीज़ से हमारा मापा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब कभी जभी चूँकि भूकंप है तो उसका स्पीड भी होता है, जैसे आप सुने होंगे कहीं कि 6 तीव्रता 6 रिक्टर स्केल, तो वही जो जिस पैमाने पे मापा जाता है उसे हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। दोस्तों देखिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। अब इसे जो है हमारा रिक्टर स्केल इसे कहा जाएगा, अब जिससे मापा इस सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी। अब आगे कुछ और क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब पृथ्वी पर जब भूकंप तो उत्पन्न होता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि उसमें तरंग भी उत्पन्न होगा, तरंग के साथ साथ थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, तरंग के साथ साथ उसका कुछ तरंग का स्पीड भी होती है। बहुत सारे ऐसे तरंग होती है जिसकी कम स्पीड होगी, कम मतलब कम उसकी पहुंच होगी, रेंज उसका अधिक कम रहता है। तो देखिए जब भूकंप होता है तो उसमें मुख्य रूप से 3 तरंग उत्पन्न होती है। पहला की बात करें दोस्तों तो हमारा फर्स्ट हो जाता है पी तरंग उत्पन्न होती है। इसकी यदि वेग चाल की बात करें, चाल कह सकते हैं, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में यह इसकी फैलाव इतनी तेज रहती है कि यह 8 सेकंड तक से फैल सकता है। अगला की बात करें हमारा तो आता है एस तरंग की जो हमारा है स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है हमारा इस तरंग की। आगे देखिए हम देखते हैं एक और जो हमारा लास्ट तरंग है वह हमारा आ जाता है एल तरंग। तो इसकी बात करें तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक की होती है। दोस्तों देखिए ये तरंग ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व रखती है, जैसे कि यदि पूछ दिया जाता है, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से हमें
यूपी और इल तरंग के बारे में ही अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, हो सकता है कभी इसे भी पूछ दे, तो हम लोग को हालांकि पूछ देगा कि ये तरंग जो होती है भूकंप में, उसकी जो वेग कितनी होती है, उसकी चाल कितनी होती है। तो आप वहाँ पे जानिएगा तो ऑप्शन देगा चार, तो आप वहाँ पे चार तो लिख दीजिएगा, सही बात है, टिक करके आप सही आंसर ला के नंबर भी ला सकते हैं। अब देखिए इसमें से जो हम मुख्य रूप से यदि पढ़ा जाता है तो दो को ही। अब दो को ही क्यों पढ़ा जाता है? मान लीजिए हमारा दोस्तों भूकंप यहाँ पे उत्पन्न हुआ, भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ जाहिर सी बात है वहाँ से भी तरंग का भी फैलाव होगा, तरंग का भी मान लीजिए यहाँ पे फैलाव हुआ, तो जो हमारा एस और एल तरंग होती है वो कभी भी केंद्र की ओर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उतनी इनकी जो वेग, उतनी इनकी चाल ही नहीं होती है, चाल ही नहीं होती है। तो एस और एल जो है हमारी तरंग जो है केंद्र की ओर नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो पी तरंग है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की ओर गति से रहती है, वह हमारे केंद्र की ओर यहाँ पर पी तरंग भी पहुंच जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि कौन सी तरंग है जो कि केंद्रीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर केंद्र की ओर वह पहुंचने में सक्षम होती है, तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पी तरंग। आगे देखिए दोस्तों, इस तरंग तो उतना कोई खास पूछता नहीं है, बस इसका वेग के बारे में आप लोग जानिए। दूसरा एल तरंग, जब भी एल तरंग की बात करें तो यह सबसे लास्ट में भूप्रपटी पर पहुंचता है, और जो हमारा पी तरंग है वह केंद्र की ओर भी सबसे पहले पहुंचने में सक्षम है, क्योंकि स्पीड अधिक है और हमारा यहाँ पे जो भूप्रपटी है उस पर भी पहुंचने में पी तरंग काफ़ी हाई है। एल तरंग की बात करें तो सबसे लास्ट में पहुँचता है, लेकिन काफ़ी विध्वंसकारी तरंग होती है, काफ़ी विध्वंसकारी। बात कर दे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि तरंगों में से, भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंग है जो कि काफ़ी विध्वंसकारी या फिर विनाशकारी तरंग होती है। तो एल जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिए विनाशकारी तरंग होती है, इसमें काफ़ी क्षति होती है, चूँकि लास्ट में जाता है, सोचता है कि सब लोग निपटिए लीजिए। देखिए इसका स्पीड की हम बात नहीं कर रहे, इसका फैलाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए एल जो तरंग है, आप लोग के मन में जरूर आएगा कि सर इसका 8 किलोमीटर है, इसका जो है 1.5 किलोमीटर है। देखिए बात ऐसा होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यदि 8 किलोमीटर है तो स्पीड में पृथ्वी का कंपन होगा, वो तो उसका रिक्टर स्केल के पैमाना पर निर्भर करता है, लेकिन जो इसका फैलाव है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, अगर पी तरंग फैलेगा तो जल्दी मतलब इतना 8 किलोमीटर का रेंज कवर कर लेगा, 8 किलोमीटर का रेंज में मान लीजिए कवर करेगा, तो मान लीजिए यदि 100 कंपन होना है, मान लीजिए थोड़ा सा इसको हम लोग 80 मान लीजिए ताकि काटने में अच्छा रहेगा, 80 कंपन होना है तो प्रति किलोमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर करेगा तो 1 किलोमीटर में 10 हो जाएगा, यानी 10 कंपन होगा 1 किलोमीटर के अंदर में। अब यही मान लीजिए हमारा विनाशकारी तरंग है और 80 कंपन हो रहा होना है और इसमें 2 को कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर के बीच में 40 कंपन हो जाएगा। तो ई कहाँ 10 और ई कहाँ 40, तो विनाशकारी कौन हुआ, विनाशकारी तो हमारा एल होगा ही होगा, एल हुआ ना विनाशकारी, क्योंकि मान लीजिए इसको दोनों में 80 कंपन होना है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह अपना रेंज 8 किलोमीटर में इतना ही कंपन को 8 किलोमीटर में बांट देगा, यानी 1 किलोमीटर में 10। अब अगला मान लीजिए विनाशकारी तरंग को भी देखना है तो यह टोटल हमारा 80 कंपन करना है, लेकिन यह 2 किलोमीटर में बांट दिया तो 1 किलोमीटर में हमारा 40 कंपन होगा, तो ये 10 और ये 40 तो विनाशकारी तो हमारा होगा ना, ये विनाशकारी तरंग विनाशकारी होगा, इसलिए इसे जो है विनाशकारी तरंग के नाम से जानते हैं, और इसमें काफ़ी जान माल क्षति बहुत सारी होती है। अब आगे देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ, इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको उम्मीद है आप लोग उतार भी लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे देखिए हम लोग मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए, जैसा कि हमने शुरुआती में भी बताया था कि जो भूकंप है वह प्लेटों के गति पर निर्भर करता है। मान लीजिए प्लेटों की गति, जैसे बोले थे एक ऊपर की ओर और एक जो है वह नीचे की ओर हो जाए, यानी रूपांतर गति हो जाए, तभी हमारा भूकंप आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेट है जो कि इस टाइप से गति हमेशा लगभग लगभग करते रहते हैं। बात की जाए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जैसे हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र में नेपाल आ जाए, और नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार, ये सब क्षेत्र है बिहार, केरल, केरल का या फिर जो उड़ीसा साइड देन का क्षेत्र है, वहाँ पे भूकंप की संभावना काफ़ी अधिक होती है। हमारे भारत की बात करें तो उसका मुख्य वजह है वो इससे वो प्लेट के किनारे पर स्थित है या फिर उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं, मतलब हल्की सी दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पे भूकंप काफ़ी अधिक आता है, काफ़ी अधिक आने की संभावना होती है। अब देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जो भूकंप है वह हमारे जो है सबसे छोटा, मतलब छोटा नहीं बोल सकते, मतलब जापान में आता है। अब जापान की बात करें तो जापान में लगभग लगभग भूकंप दिन में दो या तीन बार वहाँ पे आ जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। अब इसका रीजन समझिए, देखिए जापान के एक साइड जो है हमारा एशियन प्लेट है, प्लेट है, और उसके जस्ट विपरीत दूसरे छोर में है कौन सा प्लेट है उसकी, एशियन प्लेट, रुकिएगा एक मिनट, जापान, हाँ देखिए जापान की जो है हमारे एक साइड में जो है हमारे हिमालयन प्लेट हो जाता है, इधर हिमालयन होगा, प्लेट, और उसके जस्ट विपरीत साइड में हो जाएगा एशियन प्लेट, प्लेट। अब मान लीजिए हमारा हिमालयन प्लेट ऐसे है, ये हो गया हमारा हिमालयन प्लेट, और जस्ट इसी को बगल में हमारा एशियन प्लेट हो गया। अब मान लीजिए जापान यदि यहाँ पर स्थित रहेगा तो यहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है ये और सटा रहेगा, बड़ा बड़ा प्लेट होती है। अगर स्वाभाविक सी बात है कि जापान जो है इन्हीं दोनों को छोर के किनारे पर अवस्थित है, जिसके कारण यहाँ पर यदि हलचल होती है रूपांतर गति के कारण, ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर लगभग लगभग भूकंप आना तय रहता है। तो दोस्तों देखिए, आज के देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे भूकंप के बारे में बताया। अब नहीं लगता है कि इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा भी तो कहाँ से पूछेगा, सभी चीज़ ने हमने इसको जाना अच्छी तरीके से जाना कि किस प्रकार से यह होती है और कौन कौन से समय में कौन सी घटना होती है। थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इसे आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो जनरल नॉलेज में भी कुछ आप लोग देखिएगा, हालांकि इससे बाहर का नहीं होगा, लेकिन यदि नाम पूछ देता है तो कुछ थोड़ा सा वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लोग के लिए यह काफ़ी अच्छी है और इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों आगे देखिए, हम लोग अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे।